भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी रविवार को निमाड़ दौरे पर रहे। शाम करीब 4:30 बजे वे हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित महत्व प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने मंथन और संवाद की दृष्टि से मध्य प्रदेश कल आज और कल विषय पर अपने विचार रखे। इसमें शहर के 1000 से अधिक बुद्धिजीवियों सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। त्रिवेदी ने अपने व्याख्यान के दौरान युवाओं के साथ बुद्धिजीवियों को आगामी चुनावों में साधने का प्रयास करते हुए कहा कि 19वीं सदी अंग्रेजों की, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं भारतीय जनता पार्टी की है, बशर्ते आप अपनी उंगली का सही दिशा में इस्तेमाल करें। त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले शांति के कबूतर उड़ाए जाते थे, चीन से पहले हमारे पास वायुयान थे, लेकिन 1962 के युद्ध में कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि अच्छे पड़ोसी नहीं बना सकते तो उसको हैसियत में रख सकते हैं, और आज यह स्थिति है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। उसके बाद सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा हो गया था, इसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने हमारे साथ एक करार किया है कि भारत हमारे एक और ग्रुप के साथ कॉन्फ्रेंटेशन का कॉरिडोर बनाए। पाकिस्तान याचना करता रहा कि सऊदी अरब के प्रिंस एक घंटे के लिए भी हो जाए, कहा तू एक घंटे के लिए हो जाओ, और ये कब होना है? मध्य प्रदेश बहुत स्पष्ट रूप से जो विकास के कार्य हमने किए हैं,
मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के द्वारा, केंद्र में मोदी जी के द्वारा विकास के जन कल्याणकारी कार्य, गरीब वर्ग को जो हमने विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाया है, राष्ट्रीय स्वाभिमान, सांस्कृतिक गौरव, सुरक्षा, इन सारे विषयों क्या लग रहा है सरकार बनेगी? हाथ नीचे करो यार, कोई संदेह भाई साहब? जिस तरह इसराइल, भाई साहब जिस तरह इसराइल हमास के आतंकवादी को खत्म करने के लिए युद्ध छेड़ा, क्या भारत भी कोई आतंकवादी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? हमने तो दिखा दिया कि अगर किसी ने हमसे छेड़ने की कोशिश की है तो बालाकोट भी हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक भी, तो वो अब वो जिसे मैंने कहा ना कि वो हमारे लखनऊ भाषा का शांति के कबूतर होने का जमाना है। भाजपा पे आरोप लगाया कांग्रेस का पोस्टर रिलीज हुआ जो बीजेपी की, ये कहीं ना कहीं भाजपा ऐसा आरोप लगा रही कांग्रेस की हत्या का षड्यंत्र राहुल गांधी, क्या कहना चाहिए? देखिए मुझे लगता है वो तो आरोप की बात कह रहे हैं, यहाँ तो मोदी जी की मौत के बारे में बोल चुके हैं ना, छोटा मोटा व्यक्ति बोला है, सुबोध कांत सहाय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, सुनिए कांग्रेस का महाराष्ट्र के चीफ अब्दुल शेख, मौत के प्रकार भी बता चुके हैं, और अभी अभी उन्होंने किसको लिया अपनी पार्टी में, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालूंगा। अरे भाई आप तो करें अंदेशा, आप तो सीधे सीधे कह चुके हैं, मगर इसका चिंता मत करिए, उनको जो करना है करते रहे, वो मोदी जी के खिलाफ नफरत देते रहे। राम मंदिर मुद्दा रहेगा क्या, जिस प्रकार से राम मंदिर हमारे लिए चुनावी मुद्दा क्या, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, ये भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आप देख रहे हैं जब राम मंदिर प्रखरता के साथ बनने को तैयार हुआ तब तक भारत की संसद भी बन चुकी है, नहीं भारत पांचवी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है, भारत विश्व में G20 में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही बन चुकी है। आपके सांसद जो है संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो सिर्फ आपके सांसद नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का संसदीय दल के नेता है, तो पहले उनके मंत्री गिरफ्तार हुए सत्येन जैन, फिर एक स्टेप सीनियर गए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, पर एक स्टेप और संसदीय दल के नेता, तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति हो गई है एक हूं तो समझाइए आके कुपे में यहाँ भांग पड़ी। केजरीवाल पे भी कार्रवाई होगी क्या, जिस प्रकार से मामले हो जाकर कार्रवाई करना एजेंसियों का काम है, वो परिस्थिति के बारे में देखते हैं। हाँ मगर ये जरूर है केजरीवाल जी के कट्टर ईमानदार किरदार का दावा तार तार हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।